नमस्कार बच्चों, मैं आरती यादव। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको पता है जानवर कहाँ रहते हैं? जी हाँ, जो आप सोच रहे हो चिड़ियाघर। हाँ, चिड़ियाघर में तो रहते ही हैं, परंतु जानवरों को यानी पशु पक्षियों को सबसे अच्छा रहना कहाँ लगता है, अर्थात कहाँ रहना अच्छा लगता है? जी हाँ, जंगलों में, जहाँ पर उन्हें पूरी आज़ादी होती है, जहाँ उन्हें कोई पाबंदी या कोई बंदिश नहीं होती, वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, और वो क्या है? जंगल। तो आज हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे, वो है जंगल। इस पाठ की लेखिका चित्रा मृदुगल जी, जिनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। इनका मुख्य परिचय कुछ इस प्रकार है। चित्रा मृदुगल जी लेखक ने लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई माननीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है, यानी बड़ी गहराई से उन्होंने इसका चित्रण किया है। यानी मानवीय संवेदना, यानी मानव की फीलिंग्स, वो कैसा महसूस करते हैं, वो कैसा अनुभव करते हैं, और नए ज़माने की जो गतिविधियां हैं, यानी जिस तरह परिवर्तन हो रहा है आज के ज़माने में, वो सारी चीज़ों का, और किस तरह हमारी मजबूरियों से हम एक हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, यानी उसको न चाहते हुए भी हम उसको मानते हैं कि हाँ हमें ये करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का मिलाकर उन्होंने एक अच्छा खूबसूरत सा चित्रण जो है इस पाठ के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलो अब हम चलते हैं जो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। एक जमीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, यानी ये क्या है बच्चों, इनका उपन्यास है। भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, तो ये क्या है बच्चों, एक कहानी संग्रह है। उसी प्रकार जीवक, मणिमेघ आदि बाल उपन्यास है, यानी बच्चों के लिए कहानियाँ उपन्यास। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह, यानी दूर के ढोल और सूझबूझ, ये क्या है बच्चों, बच्चों के लिए कहानी संग्रह, कथा संग्रह यानी कहानियों का संग्रह है। तो ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम चलते हैं गद्य संबंधी, यानी जो हमारा पाठ जंगल है उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि संवादात्मक कहानी। तो हमारी कहानी कैसी है? संवादात्मक, जिसमें संवाद है, डायलॉग्स हैं, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुत संवादात्मक कहानी कहलाती है। यानी किसी भी घटना को लेकर कही गई जो बातें हैं उस बातों को प्रस्तुत करना ही संवादात्मक कहानी कहलाता है। तो प्रस्तुत कहानी में, यानी ये जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं जंगल, इस कहानी में मृदुगल जी ने खरगोश के माध्यम से बालमानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो हमारी फीलिंग्स होती है वो जानवरों को लेकर, साथ ही साथ उनका, जानवरों का जो प्रभाव है उनके माध्यम से बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो, और हमारा व्यवहार प्राणियों के साथ कैसा होना चाहिए, उनको किस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए, किस तरह हम उनका संरक्षण कर सकते हैं, और प्राणियों के प्रति हमारे मन में कैसी भावना है, कैसी फीलिंग्स है, वो चीज़ों को लेकर इस कहानी में लेखिका जी ने प्रस्तुत किया है। हम अपनी कहानी पर चलते हैं। रीडर अर्णिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था, मांडवी दी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी
बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दी ने असमर्थता जताई। मांडवी दी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? तो बच्चों यहाँ पे रीडर अनिमा जोशी, जो अनिमा जोशी जी हैं, उनके मोबाइल पर मांडवी दी हैं उनकी बहू तविशा का फोन आता है और वो फोन पे क्या कहती हैं कि आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अम्मा कौन? मांडवी दी, यानी कि तविशा को अपनी सासू माँ से बात करनी है। तब अनिमा दी असमर्थता यानी निर्बलता, वो निर्बल हैं कि मैं बात नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि मांडवी दी जो है वो क्या कर रही हैं, कक्षा ले रही हैं, वो अपनी कक्षा में है, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, और बाहर आते ही वो संदेश उन्हें दे देंगी। संदेश यानी खबर, मैसेज। वैसे हुआ क्या है, यानी अनिमा जोशी जी वापस तविशा से पूछती हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि मांडवी दी तो कक्षा ले रही हैं, वो उनको बुला नहीं सकती। तो तुम जो है, जो हुआ है मुझे बता सकती हो? घर में सब कुशल मंगल तो है? इस प्रकार कौन पूछता है? अनिमा जोशी जी किससे पूछती हैं? तविशा से, कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, कुशल मंगल तो है, ऐसा क्या हुआ है कि जो आपको मांडवी दी से बहुत अर्जेंट यानी बहुत आवश्यक बातें जो है, बहुत जरूरी बात जो है मांडवी दी से करनी है। इस प्रकार मांडवी दी ने तविशा से पूछा कि क्या सब कुशल मंगल तो है? तब परेशानी का कारण बताने के बजाय तविशा ने उन्हें पुनः आग्रह किया। आग्रह करना यानी अनुरोध किया, विनती की कि आंटी अम्मा से बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तब अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। बुरा लगना यानी अच्छा नहीं लगा, तविशा को टालना, इग्नोर करना उचित नहीं लगेगा। तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? झिझक यानी हिचकिचाहट। अनुशासन भंग होगा और मुझे तुम बता सकती हो कि क्या बात है, और मुझे बताने में तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार किसने कहा? अनिमा जोशी जी ने। आगे, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। भर्रा सा यानी एकदम आवाज रोने जैसी हो गई। किसकी? तविशा की। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 बजे के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। तविशा ने क्या बताया, रीजन, कारण क्या बताया? तविशा ने बताया कि मांडवी दी ने दो खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं घर में, उनका नाम क्या है? सोनू और मोनू, जिसमें से सोनू नहीं रहा। और वो कब मरा, यानी तविशा को कब पता चला? जब 10:30 बजे काम वाली जो कमला है वो झाड़ू पोछा करने जब घर में आती है, उस समय तविशा को यह बात पता चली कि जब वो काम वाली क्या कर रही थी, कमला जो क्या कर रही थी, बैठक बुहार रही थी, यानी हॉल की जो है साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू मार रही थी। तो जब वो हॉल में यानी बैठक में जब वो झाड़ू मार रही थी, उस समय उसकी नजर किस पर पड़ी? सोनू पर पड़ी। और तब तविशा को भी पता चला कि सोनू नहीं रहा। अब हम आगे देखते हैं। वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आती है और वह बैठक को बुहारती है, उस समय उसकी नजर किस पर पड़ती है? सोनू पर पड़ती है। और उस समय जगाने के लिए वह सोनू को जब हिलाती है, अर्थात जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, बुदबुदाना यानी जो वो शब्द बोल रही थी मुंह से, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहे थे, स्पष्ट नहीं हो रहे थे वो क्या बोल रही है। और उसने क्या कहा उस वक्त बुदबुदाते हुए? कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, उसके टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीबी जी। तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई, गोद में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कपोल सी झूल गई। टूटी कपोल सी मतलब कपोल यानी
नई जो पत्तियां होती है, तुम देखो पेड़ पौधों में छोटी छोटी लाल लाल पत्तियां निकलती हैं, जो नई निकलती है छोटी सी होती है, कितनी कोमल होती है। उसी प्रकार उस खरगोश की यानी सोनू की जो है शरीर एकदम नरम पड़ गई थी, लटक गई, उसके अंदर जैसे जान ही नहीं है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, यानी कि जब कमला काम करने आती है घर में और वो बैठक बुहारती रहती है, उस वक्त उसकी नजर सोनू पर पड़ती है। और जब उसकी नजर सोनू पर पड़ती है तो वो क्या करती है, उसको हिलाती है सोनू को कि ये उठ जाए। लेकिन सोनू जब उसमें कोई भी उसके हिलाने का कोई असर नहीं पड़ता, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता, वो कुछ एहसास उसको नहीं होता, तो तुरंत वो क्या करती है, पैर पकड़कर सोफे से बाहर की तरफ घसीट लेती है। लेकिन उतना घसीटने के बावजूद भी सोनू उठता नहीं है, तब कमला जो है गुस्सा करती है, बुदबुदाती है, और वो क्या कहती है कि घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। इस तरह जो है वो चीखती चिल्लाती है, और तब भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं होती है तो वो तुरंत किसको बताती है, तविशा को बताती है। और सोनू की ऐसी हालत देखकर तविशा भी घबरा जाती है, उसको गोद में उठाती है, उसको सहलाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता और उसकी जो शरीर है एकदम कोमल पत्तों की तरह लटक जाती है। और उस समय तविशा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो आखिर क्या करे, कैसे वो इस स्थिति को संभाले। चलो आगे देखते हैं। सोनू को ऐसी हालत में देखकर तविशा को एकदम घबराहट हुई, वो एकदम घबरा गई कि अब वो करे तो क्या करे, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने आसपास के जानवरों का कोई डॉक्टर, उसको पता भी नहीं था कि वो किसी जानवर को डॉक्टर को बुलाकर सोनू को दिखाए, अपनी समझ से उसने बच्चे के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू भी, आंटी आप अम्मा को जल्दी से घर भेज दे, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची, कौन पहुंचा घर, मांडवी दी। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू को निश्चेष्ट पड़ा है, यानी कि निश्चेष्ट यानी एकदम हिल नहीं रहा, एकदम उसके अंदर प्राण नहीं है, इस प्रकार वो पड़ा हुआ था। कहाँ पर पड़ा हुआ था, जो खाली जगह पड़ी हुई थी सोफे के बाजू में बीच में, वहां पर खाली जगह पड़ी हुई थी और वहां पर जो है सोनू एकदम अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। और तविशा अम्मा को क्यों बुला रही थी, यानी अपनी सासू माँ को घर क्यों बुला रही थी, क्योंकि घंटे भर के अंदर जो है प्ले स्कूल से कौन आने वाला था, पीयूष। पीयूष कौन है, तविशा का बेटा। तो पीयूष उसे उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा कर रहा था, मोनू क्या कर रहा था, जो दूसरा खरगोश था वो सोनू की परिक्रमा यानी उसको गोल गोल घूम रहा था। उस कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता तो कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा, स्तब्धता यानी दृढ़ता, निश्चेष्ट यानी एक टक नजर जो वो सोनू को देख रहा था उसको तोड़ना उनको बहुत जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि पीयूष जो है एक छोटा बच्चा है, वो पहली बार फर्स्ट टाइम वो मौत को देख रहा था कि मौत कैसे आती है, मौत मरा हुआ आदमी कैसा होता है, मरा हुआ प्राणी कैसा होता है, उस जिसके अंदर प्राण नहीं होता वो किस प्रकार का होता है। तो पहली बार जो है पीयूष इस तरह से रूबरू हो रहा था इस प्रकार से, और उसे मौत उसने पहली बार देखी थी। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, तविशा घबराई हुई थी और वो जो है पीयूष घर प्ले ग्रुप से स्कूल जल्दी आने वाला था, इसलिए वो आंटी को यानी अपनी सासू माँ को जल्दी से जल्दी घर पर बुला रही थी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। पहली बार पीयूष मौत से रूबरू हो रहा था, यानी उसका सामना मौत से हो रहा था। बच्चों उस समय वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ है, उसकी समझ से बाहर था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने दौड़े हों। अर्थात जब मांडवी दी घर पहुंचती अपनी अपने स्कूल से विद्यालय से, तब जब वो घर की घंटी बजाती तो तीनों लपक कर दरवाजा खोलने पहुंचते हैं, और खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। यानी कि जब मांडवी थी घर पर पहुंचती और उन्होंने जब भी दरवाजा बजाया है, दरवाजे की घंटी बजी है, तब तीनों जन
यानी मोनू, सोनू और पीयूष, ये तीनों कहाँ पहुंचते? दरवाजे के पास। और दरवाजा खोल तो पीयूष ही पाता था, न मोनू खोल पाता न सोनू। लेकिन दोनों क्या करते, अपने नन्हे नन्हे जो पंजे थे, जो नन्हे नन्हे हाथ थे, वो दोनों पंजे कहाँ लगा देते? पीयूष के हाथों पर रख देते और उनका मुंह किस तरफ होता? दरवाजे की तरफ। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। किसका सिर? पीयूष का। कौन? मांडवी दी। पीयूष रोने लगा है और उस वक्त पीयूष रो रहा है, खूब रो रहा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना, यानी देखो बच्चे का मन किस प्रकार है, क्योंकि उसको भी ये पता है कि जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसे दिखाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर वो सोनू के बारे में भी सोच रहा है कि अगर सोनू बीमार है तो उस डॉक्टर को बुलाकर उसे दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, और दिखाकर उसे, मतलब जैसे हम दवाई लेकर अच्छे हो जाते हैं, उसी प्रकार उसको भी दिखाओ और उसको दवाई लेकर अच्छा करो। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। अब वो किसके बारे में बात कर रहा है? अपनी माँ के बारे में, तविशा के बारे में। तविशा के बारे में क्या बोल रहा है? कि मम्मी जो है वो अच्छी नहीं है, सोनू मर गया, ऐसा बोल रही है। वह रुगे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगी। यानी अब ऐसा लग, उस मांडवी दी को ऐसा लगा कि अब पीयूष रोने लगेगा, और वो समझ कर तुरंत वो क्या करती है? पीयूष को समझाने लगती। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया कि मतलब जिस प्रकार सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था, तो तुम्हें हमेशा हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोनू को इससे क्या होगा? दुख होगा, तकलीफ होगा, इसलिए तुमको रोना नहीं चाहिए। इस प्रकार कौन समझाता है? मांडवी दी। किसको? पीयूष को। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों? पीयूष को रोते देखकर मांडवी दी क्या करती है? उसे समझाती है। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। कौन? मोनू यानी दूसरा खरगोश उनके चेहरे को देख रहा है। किसके? मांडवी दी के चेहरे को। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। बिटर बिटर दृष्टि यानी कि नजर गड़ा कर एक टकटकी लगाए वो मांडवी दी के चेहरे को देख रहा है। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा था। यानी पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी जानवर को रोते हुए कौन देखा था? मांडवी दी ने। मांडवी दी को पहली बार ऐसा एहसास हुआ था कि जानवर भी रोते हैं। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। किसको? मोनू को। कौन? मांडवी दी। और उसको सहलाते हुए अपने सीने से लगा लिया था। किसको? मोनू को। हिचकिया भर रहा था मोनू, काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई थी। काली बदली यानी वो भी एकदम घबराया हुआ था, उसका चेहरा भी काला पड़ चुका था। कौन? मोनू का। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो, यानी कि मांडवी दी को पता नहीं था कि तविशा ने शैलेश को फोन किया है कि नहीं किया है, इसलिए उन्होंने क्या किया? अनिमा जोशी के मोबाइल से तुरंत फोन किया। और किसको फोन किया? शैलेश को। फोन करके उन्होंने क्या कहा कि तुरंत जो है वो कहाँ पहुंचे? घर पर पहुंचे, क्योंकि उनको क्या लगा कि शायद तविशा घबरा गई थी, शायद उसने फोन न किया हो, इसलिए उन्होंने शैलेश को फोन करना जरूरी समझा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अनिमा जोशी के मोबाइल से तविशा शैलेश को खबर देती है कि सोनू नहीं रहा। उस समय शैलेश ने मांडवी दी से क्या कहा? देखो, शैलेश ने कहा, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी के चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। कौन बोला? शैलेश ने कहा। किससे? अपनी माँ से। क्या कहा? आप तो घर पहुंच ही रही हैं, आपको क्या करना है? जो नीचे सोसाइटी का चौकीदार है उससे बोलकर जो सोनू की जो सोनू का जो शरीर है उसे कहाँ फेंकने को कहा? अपार्टमेंट से लगे नाले में। और उन्होंने इस तरह कहा। किसको कहा? मांडवी दी को। तब उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया। किसने? मांडवी दी ने शैलेश को कहा। शैलेश का जवाब दिया। क्या कहा? छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे, यानी छुट्टी लेकर तुरंत घर पहुंच जाओ, और उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा, नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती।
पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था, यानी कि जो मांडवी दी ने अपने बेटे यानी शैलेश को, शैलेश के बात का जवाब दिया, क्या कहा कि मैं सोनू के शरीर को नाले में नहीं फिकवा सकती, यानी सोनू को मैं नाले में फिकवा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पीयूष जो है वो सोनू को बहुत प्यार करता था, एक चीज। और तुमको क्या करना है, यानी तुरंत जो है छुट्टी लेकर घर पहुंचना है, और वो पीयूष को, सोनू को नाले में नहीं फिकवाएंगी। और जब तक मांडवी दी घर पहुंचेंगी तब तक पीयूष जो है वो घर पहुंच चुका होगा। पीयूष कहाँ गया था? प्ले स्कूल में। तो इस तरह शैलेश को अनिमा जोशी जी, मांडवी दी कहती हैं, स्थिति से भागने के बजाय उनका सामना करना ही बेहतर है। स्थिति से यानी जिस तरह की स्थिति, जिस तरह का माहौल इस वक्त चल रहा है, उससे भागने के बजाय उसे क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है, यानी उस परिस्थिति से, उस स्थिति से अगर भागने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? उसका सामना करना चाहिए। सोनू को घर में न पाकर उनके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। उसे क्या करना है? उसे कम संभालना कठिन होगा। इस तरह कौन कहता है? मांडवी दी अपने बेटे को समझाती हैं और शैलेश को समझाती हैं, और तुरंत उसे क्या कहती हैं? छुट्टी लेकर घर पहुंचो और फौरन घर पहुंचकर जो आगे का कार्यक्रम है वो करना होगा, यानी पीयूष सोनू को वो नाले में नहीं फिकवाएंगी। और उसको क्यों? क्योंकि पीयूष जो है वो सोनू को बहुत प्यार करता था। ठीक है बच्चों, अब हम देखो आगे क्या करती हैं। अब वो नाले में नहीं फिकवाएंगी तो हमें क्या करना होगा, वो हम कहानी में आगे देखेंगे। मांडवी दी इस तरह अपने बेटे शैलेश को समझाती हैं और आगे क्या कहती हैं? जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी, यानी कि बाकी खबरों किसको करेंगी? जमादार को भी वो खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए, यानी कि वो अपार्टमेंट्स के लगे नाले में नहीं फिकवाएंगी सोनू को। उनकी क्या इच्छा है मांडवी दी की? कि जिस तरह छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार होता है, उसी प्रकार सोनू का भी अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। किसे कहा? मांडवी दी को, कि ठीक है मैं घर पहुंचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था। किसने? मांडवी दी ने किसको समझाया था? अपने पोते को, शैलेश के बेटे को। तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। इस प्रकार किसने कहा? मांडवी दी ने पीयूष को समझाया है कि जब तुम सोनू को लेकर जाओगे तो उस समय पीयूष जो है नहीं रोएगा, वो तुमको रोकेगा भी नहीं। उन्होंने पीयूष को जो है समझा दिया था। किस प्रकार समझाया था? कि सोनू को वो जमीन में गाड़ने के लिए लेकर जाएंगे। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी उसके दिल में दुख क्यों था? अब इस प्रकार कौन पूछ रहा है? पीयूष पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? अपनी दादी माँ से। क्या पूछ रहा है? कि सोनू को क्यों दुख था, उसके दिल में क्यों दर्द था, क्यों तकलीफ था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था, यानी कि अब दादी माँ उसको उत्तर दे रही है कि सोनू को दुख क्यों था, क्योंकि पीयूष ने दादी माँ से प्रश्न किया है, क्या किया है कि पीयूष सोनू को जो है दुख था। अब किस बात का दुख था वो जानना चाहता है। वो छोटा सा बच्चा इस बात को जानना चाहता है कि उसको तकलीफ किस बात की थी। तो दादी माँ उसे क्या उत्तर देती है? कि वो अपने मम्मी पापा से अलग हो गया था इसलिए उसे तकलीफ था, उसे दुख था। किसने किया था दादी? किसने पूछा? पीयूष ने दादी माँ से पूछा कि सोनू को उसके माँ बाप से अलग किसने किया था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो पीयूष और क्या जानना चाहता है। दादी माँ पीयूष को समझा रही है कि मतलब उसको उसके मम्मी पापा से यानी माँ बाप से अलग कर दिया था इसलिए उसको दुख था। तब पीयूष ने दूसरा सवाल जो किया था कि उसे किसने अलग किया था, तब अब दादी माँ उसे देखो क्या समझाती है। उस दुकानदार ने जिससे हमने उससे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, तुम ही बताओ माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। किसने कहा? पीयूष ने कहा कि अगर माँ बाप से बच्चे अलग हो जाएं तो उनको दुख तकलीफ होता है। आगे देखो, दादी मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। देखो नन्हा सा बच्चा कितनी बड़ी बात कह रहा है कि जब दादी मेरी मम्मी
मुझे छोड़कर नानू के पास यानी नाना के पास जाती है 4 दिन के लिए बंबई, उस समय मुझे भी बहुत दुख होता है। दादी दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी, कभी कभी पीयूष, इस प्रकार कौन कहता है? दादी कहती है, यानी पीयूष जो है अपनी दादी माँ से पूछता है कि दुख होने से मौत होती है क्या, मर जाते हैं क्या? तब दादी माँ क्या कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। सोनू भी मर सकता है, यानी सोनू भी मर सकता है, मर सकता है यानी कि जिस प्रकार सोनू भी मर सकता है उस प्रकार हम भी मर सकते हैं। तो इस तरह की बात पीयूष के मन में आ रही है। वो इस तरह किस तरह उस मौत का प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कहानी में देख रहे हैं। तो बच्चों चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो हम स्वाध्याय पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क, प्रश्न क्रमांक 3, उत्तर लिखिए। नंबर 1, शैलेश ने माँ को क्या जवाब दिया? तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या पूछा आपसे, शैलेश ने माँ को क्या जवाब दिया था? जब माँ ने कहा था कि छुट्टी लेकर जल्दी दफ्तर से घर आ जाओ, उस समय शैलेश ने कहा था चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। किसने कहा? शैलेश ने कहा। किससे कहा? अपनी माँ से। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, माँ की इच्छा थी कि, क्या इच्छा थी? घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। किसकी इच्छा थी? माँ की, ठीक है। उसी प्रकार नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति। यहाँ पर आपको मैंने एक प्रश्न दिया है, स्वमत अभिव्यक्ति। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, कहा जाता है कि जब रेतीला तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में गड़ा लेता है। शुतुरमुर्ग याने शुतुरमुर्ग, यह एक पक्षी है, और समझता है कि खतरा टल गया, परंतु खतरा टलता नहीं। ऐसा ही स्वभाव अनेक व्यक्तियों का भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, उसका सामना करने के बजाय वे अपना उद्देश्य ही बदल लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है, हमें स्थिति से भागने के बजाय डटकर उसका सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। तो कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि अगर मुसीबत आती है तो हमें रास्ता नहीं बदलना चाहिए, हमें अपने रास्ते पर अडिग होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपना लक्ष्य जो निर्धारित करके रखा है उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, मुसीबतों से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिया प्रश्न क्रमांक 5, जो उपयोजित लेखन, अर्थात यहाँ पर मैंने आपको दिया है पत्र लेखन। गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका का नगर परिषद ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए गए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखी। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, पत्र लिखना है, लेखन कार्य करना है, और उसमें आपको क्या लिखना है, जो चिड़ियों और पक्षियों के लिए घोंसले और चुग्गा दाना यानी उनके लिए दाना पानी की जो व्यवस्था कर जिस विभाग ने किया है, उसे हमें उसके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उसकी तारीफ करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है और उसे धन्यवाद कहना है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर यानी इस पत्र को लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने भाग 1 यानी जंगल भाग 1 पूरा किया